हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। दोस्तों, फ्रांस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है जिसको लेकर एक बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब थंबनेल पर और टाइटल में तो आपने देखा है ये कि हम आज पेरिस ओलंपिक्स में हिजाब बैन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पर लिखा भी है कि फ्रांस हिजाब बैन इन पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, क्या ये पूरा टॉपिक, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इसमें पहले आपको बताऊंगा, फ्रांस में जो ओलंपिक होने वाले हैं, फ्रांस इसको प्रमोट कर रहा है जेंडर इक्वल ओलंपिक के नाम, मतलब इक्वल ओलंपिक के नाम पर, क्या इसको ऐसे प्रमोट ही कर रहा है जेंडर इक्वल ओलंपिक करके। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसमें जो है कई सारे सवाल सामने आते हैं, जैसे कि क्या ओलंपिक खेलों में हिजाब पहने जाते थे? दूसरा, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है कि फ्रांस ने ओलंपिक खेलों में हिजाब पहनने को मना किया है अपने देश को? दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या दूसरे देशों के खिलाड़ियों को भी हिजाब पहनने से मना किया है या इनको अलाउ किया गया है हिजाब पहनने के लिए? और इन सब चीजों पर पूरी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है, या यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला है? और इसी के साथ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं चीजों को। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं आपको शो करता हूँ ये कॉन्ट्रोवर्सी जो खड़ी हो गई है, ठीक है, ये तो आप देख ही सकते हो। ये देखो, Why France is banning the hijab for their Olympic athletes? ठीक है, ये पूरा आर्टिकल है, ये मुद्दा है पूरा, ठीक। अब ये क्या है कि देखो दोस्तों, फ्रांस ने जो है ना पहले पेरिस ओलंपिक में अपने एथलीट्स को हिजाब पहनने से मना की, ठीक है। तो दुनिया के कई संगठन ओपनली कह रहे हैं कि फ्रांस जो कर रहा है रेसिस्ट है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है दोस्तों, ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखो, ये जो आरोप लग रहे हैं फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस आरोप है, क्योंकि 2024 में जो पेरिस में समर ओलंपिक्स होंगे, ये ओलंपिक फ्रांस की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि फ्रांस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जेंडर इक्वेलिटी को लेकर प्रमोट कर रहा है, तो इन ओलंपिक्स को, है ना, कहने का मतलब है कि फ्रांस का कहना है कि जो टोटल ओलंपिक की टीम होगी, टोटल ओलंपिक की टीम होगी, इसमें इनके एथलीट जो पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन होंगे, है ना। यहाँ पर इंटरनेशनल संगठन जो भी हैं, उनकी एक तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि एक तरफ तो फ्रांस ये कह रहा है कि जेंडर इक्वेलिटी होगी, जितने मैन हैं उतने ही वुमेन होंगे, ठीक है, जितने मैन हैं उतने ही वुमेन होंगे, और दूसरी तरफ वह हिजाब पहनने को रोक रहा है फीमेल एथलीट्स को, ठीक है। अब फीमेल एथलीट्स कुछ भी पहने, फ्रांस को उस चीज से क्या मतलब है? इस तरह की प्रतिक्रिया जो है इंटरनेशनल संगठन की आ रही है। देखो, एक और बात मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में कई स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है आज के समय हो चुके हैं, जहां पर अगर फीमेल मुस्लिम एथलीट पार्टिसिपेट करती है तो कई बार वह हिजाब पहनती है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी है, उन्होंने भी कहा है कि फ्रांस का जो ये मूव है गलत है। अब इन सब चीजों को लेकर फ्रांस की आलोचना हो रही है, मगर दोस्तों फ्रांस यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि उनके ओलंपिक गेम्स में बाहर के देश के जो एथलीट्स हैं वो जो आएंगे वह भी हिजाब नहीं पहन सकते। फ्रांस का यह कहना है कि जो फ्रेंच एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे, जो फ्रेंच एथलीट फ्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे इन ओलंपिक्स में, वह हिजाब नहीं पहनेंगे। बाकी अगर कोई सऊदी अरब से आता है, या कोई कहीं और से आता है, तो वह हिजाब जो है पहन सकते हैं, उनके लिए परमिशन दे रहे हैं, वह हिजाब पहन सकते हैं। अब दोस्तों, फ्रांस का इसमें यह मानना है कि फ्रेंच गवर्नमेंट का विजन अगर आप सुनो तो वह लोग कहते हैं कि यह लोग जो है ना सिर्फ हिजाब के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी तरह की रिलीजियस गारमेंट, कोई भी रिलीजियस गारमेंट हो चाहे, उन सब के अगेंस्ट है। इनका कहना है कि कोई भी रिलीजियस गारमेंट फ्रांस को जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो, फ्रांस जो है सेकुलरिज्म को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। अब ये लोग मानते हैं कि स्टेट और रीजन का मतलब है कि सरकार और रिलीजन का कोई इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए, रिलीजन सरकार से बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। जब एक एथलीट फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल स्टेज पर, चाहे वे ओलंपिक हो या कोई और भी स्पोर्ट हो, तो वहां पर कोई एक रिलीजियस गारमेंट पहना है, तो फ्रांस की सरकार मानती है कि वहां पर कहीं ना कहीं फ्रांस की जो सेक्युलर आइडेंटिटी है इसको ठेस पहुंचती है। इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ हिजाब को ही बैन कर रहे हैं, कोई भी रिलीजियस गारमेंट हो उन सबको ये बैन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंच एथलीट्स के लिए है केवल, ये फॉरनर जो फॉरेन के एथलीट्स होंगे उनके लिए अलाउ कर, ठीक है। लेकिन दोस्तों, फ्रांस के केस में आलोचना इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि फ्रांस जो है ना हिजाब को लेकर पहले से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो साल 2004 में, साल 2004 में फ्रांस ने जो ना पब्लिक स्कूल में, जो इनके सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर इन्होंने जो है हिजाब को बैन कर दिया था, ठीक है, 2004 में। अब देखिए यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि एक फीमेल को आजादी होनी चाहिए, वह जो मर्जी से जैसे भी चाहे पार्टिसिपेट करे, वो उसका राइट है, ठीक है, उसकी मर्जी है, वह हिजाब पहने या ना पहने, आप उसको छोड़ दो, आप उनको नहीं बताएंगे कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। एक सवाल यहाँ पर मैंने पहले डिस्कस किया है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, देखो इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी साल 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, और प्रेजेंट में इसमें शामिल जो सदस्य है 193 है, ठीक है। इसका मिशन जो है और जो इसके कार्य है, इसके चार्टर में जो भी उद्देश्य है सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें जो है कार्यान्वित किया जाता है। अब इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना उसको बढ़ावा देना, और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भली भांति रख रखाव कार्यान्वयन करना, इन सब में शामिल। अब इन सब कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा दोस्तों ओलंपिक में इसराइल को बैन करने की बात भी की जा रही थी, ठीक है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, तो उस लड़ाई के चलते रशिया के जो एथलीट है वो रशियन फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रशिया के जो एथलीट है वो रशियन फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बेसिकली अगर आप कहें तो रशिया बैन है ओलंपिक में। इसी का एग्जाम्पल देते हुए कई लोग ये बात रेज करते आए हैं कि जब आप रशिया को बैन कर रहे हो वॉर की सिचुएशन को देखते हुए, तो इसराइल क्या कर रहा है हमास वॉर में गाजा पट्टी के लोगों के साथ, उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल देकर इसराइल को बैन करने की बात की जा रही है एक तरफ, तो यह भी डिमांड उठ रही है। हालांकि फ्रांस ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि इसराइल पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ये देखो आईओसी का डिसीजन आया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कंफर्म इसराइल पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसराइल पर कोई भी बैन नहीं लगाए जाएंगे, इसराइल के जो एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे फ्रांस के ओलंपिक में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसराइल के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का जो विषय है उनकी सिक्योरिटी का है, इसलिए इसराइल ने उनको डबल सिक्योरिटी देने की बात भी कही है। इसराइल के देश से उनके लिए अलग सिक्योरिटी भी जाएगी। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था, ठीक है दोस्तों, अलग से उनके लिए जो है सिक्योरिटी भी जाएगी, पूरा ये टॉपिक था, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये पूरा टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, समझ में आया होगा आपको। और यूपीएससी और आईएएस पीसीएस की आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो। आपका आगे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, पीसीएस यूपी का आने वाला है, फिर आगे समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम, तो जो भी आपके एग्जाम है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स की जो तैयारी हम कर रहे हैं कवर, अच्छे से उसको करते रहे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।